उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े दावे किए प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के। बारिश का पानी ना भरे वो तालाब जो सड़कें बन गई हैं उनको दुरुस्त करवाने के। लेकिन जैसा कि आलम है, बारिश की अभी चंद बूंदे नहीं पड़ी कि आगरा के अजनेरा के गांव सदना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है तालाब। बारिश का पानी पूरे अस्पताल में भरा हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मरीज तथा डॉक्टरों को आने जाने में कितनी दिक्कत होगी ये इस चीज का अंदाजा आप इन तस्वीरों से और इन वीडियो से लगा सकते हैं। गंदे पानी के कारण पूरे अस्पताल में बदबू ही बदबू का आलम है। जंगले किवाड़ इत्यादि टूट चुके हैं, शौचालय में सब कुछ टूटा पड़ा है। पानी पीने की व्यवस्था ऐसी है कि आप पानी ढूंढते रहेंगे लेकिन आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। ये है अजनेरा के गांव सदना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल। सरकार बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे करती है, हजारों करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से बजट भी पास किया जाता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का किस तरह से इंतजाम किया जाता है आम आदमी के लिए, ये आप तस्वीरें देखिए और खुद से अंदाजा लगाइए। आपका वोट बहुत कीमती है। किसी धर्म विशेष जाति समुदाय से ऊपर हटके एक बार सोचकर सही जगह वोट दीजिए, जिससे कि आपको इस गंदगी और इस दर्दगी भरी जिंदगी से निजात मिल सके। इतनी स्थिति खराब है इसकी कि पूरे में पानी भरा पड़ा हुआ है और यहाँ से मैं आगे सामने जो हॉस्पिटल दिख रहा है, जो स्वास्थ्य केंद्र दिख रहा है, इसके सामने ही जस्ट पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है। ना तो कोई मरीज आ सकता है, ना कोई डॉक्टर आ सकता है, और पूरे में 100 मीटर तक आगे तक पानी भरा हुआ है। किस प्रकार मरीज आए, किस प्रकार डॉक्टर आए, और गंदगी बहुत ज्यादा पसरी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा गंदगी हो रहा, बाउंड्री पूरी टूटी पड़ी हुई है। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सानन पर आपको किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं? चारों तरफ से बाउंड्री गिरी हुई है, पानी आपके सामने भरा हुआ है, गेट भी टूटा पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है आने जाने के लिए। मरीज भी परेशान है, स्टाफ परेशान होता है आने जाने के लिए। चारों तरफ से बाउंड्री टूटी है, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। अकेले हम तो स्टाफ रहते हैं और लेते हैं, चले जाते हैं। मरीजों को परेशानी हो रही है आने जाने की? सबको परेशानी हो रही है, स्टाफ को परेशानी हो रही है। डॉक्टर कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कोई कर्मचारी इधर से, हम लोग इधर से रुके हैं तो इधर उधर से आ भी जाते बाउंड्री खुद के पीछे से। चारों तरफ से पानी भरा हुआ और बदबू बदबू आ रही है, भरा हुआ पानी तो बदबू आ ही रही चारों तरफ से, कैसे रहने लायक भी नहीं है, क्या किया जाता है। समस्या है हम लोग का भी, जो रह भी रहा है उसका भी समस्या है, जो कोई आ भी रहा बस वो आते ड्यूटी करके चले जा रहे हैं, हम यहाँ रहते परेशान है चारों तरफ से। पानी का जो निकासी पड़ी है बाहर बाउंड्री